कल्याण सिंह जी ने हमें कॉल किया है नागौर से। आइए जानते हैं उनके साथ किस तरह की समस्या है। कल्याण जी बताइए, किस तरह की बीमारी ने आपको घेरा हुआ है? नमस्कार, नमस्कार साहब जी। आदाब कल्याण जी। हाँ अचिन साहब, आपको जी 8 साल से इतना पता चाहता है। हम आपको साफ तौर से सुन नहीं पा रहे, एक बार फिर से प्रश्न करें। मेरे को 8 साल से ठीक है। क्या है? 8 साल से, 8 साल से मेरे पापा को वो कितना सबके जैसा आता रहता है। बस क्या होता है? बलगम आता है। 8 साल से बलगम आता है। ओहो, बलगम आता है 8 साल से। कल्याण जी और आनंद जी, ये दो नाम बहुत मशहूर हैं। तो बड़ा परेशान हो रहा था कि आपका सवाल मुझ तक आना चाहिए। कल्याण जी, आनंद जी ने फ़ोन किया है। तो बलगम का तो बड़ा अच्छा इलाज है कि एक तो गर्म प्रवृत्ति की चीज़ें खाया करें, ठंडी छोड़ दें, खट्टी चीज़ें छोड़ दें, खट्टी लोग अक्सर खाते हैं, और गर्म पानी 5 बार पिया करें। और एक बलगम का नुस्खा जो बड़ा मशहूर है कामयाबी में, वो ये है कि लिसोड़ा, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम, और 30 ग्राम पीपले जो आपके किचन में है, इनको पाउडर बना के 1-1 चम्मच सुबह शाम आप खाया करें पानी के साथ, आपकी तकलीफ ठीक होना मुमकिन है। जी, एक और दर्शक हैं, अक्षय नायर जी ने हमें कॉल किया है वड़ौदा से, उनसे बातचीत करते हैं। अक्षय जी बताएं, किस तरह की परेशानी है, प्रश्न करें आप। जी, बहुत पसीना आता है जी, और पेट भी बढ़ रहा है आगे को। पेट बढ़ रहा है, पसीना बहुत आता है। उम्र कितनी है आपकी? 26 साल। 26 साल जी जी हाँ। देखिए, थोड़ा सा मेहनत भी किया करें, अगर नहीं करते हैं तो। पैदल चलना हर इंसान के लिए 1 घंटा ज़रूरी है, अगर आप नहीं चलते तो चला करिए। और बहुत कम उम्र है, दवा से बचें और ग़िज़ाओं से काम चलाएं। और फिर भी क्योंकि लोग, वो लोग भी सुन रहे होंगे जो इनके पास उम्र ज़्यादा है, जो उम्र के ज़्यादा हैं, तो उन्हें भी पेट कम करने के लिए। देखिए, इससे भी पेट कम हो जाता है कि हम अगर 4 रोटी के खाने वाले हैं तो 2 रोटी कर दें एक वक्त में, तो इससे भी हमारा पेट कम हो जाता है। और पैदल चलने से, गर्म पानी पीने से, और दवा बतौर हम ले सकते हैं। देखिए, जैतून का नमक आता है, इसको रसायन जैतून भी कहते हैं या एस्टेक जैतून भी कहते हैं। ये नमक नमकीन नहीं होता, 100-200 ग्राम खरीद लें और 0.5 ग्राम एक गिलास पानी में मिलाएं और उसमें 1 नींबू मिलाएं और रोज़ाना पी लिया करें, 1 बार या 2 बार, तो आपका ठीक होना मुमकिन है। चलिए, इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, नाम बताएं। हेलो, नाम बताइए। दुर्गा प्रसाद जी, स्वागत है कार्यक्रम में, प्रश्न करें आप। मेरा प्रश्न है, गौंदसिया मिला हमको लेकिन कड़वा नहीं लगता है जी। अच्छा, कहाँ से मिला? ये सहरसा कमकोसी कमिश्नरी है, यहाँ मिला लेकिन कड़वा नहीं लगता है, ब्राउन कलर है उसका। तो देखिए, अगर कड़वा नहीं है तो गौंसिया नहीं है, मैं यही कहता हूँ कि। अच्छा, क्या भाव मिला? ठीक है, देखिए, अगर गौंसिया है और कड़वा नहीं लगता है तो आपको गौंसिया वो नहीं है। गौंसिया सिर्फ 0.5 ग्राम खा सकते हैं, और 0.5 ग्राम भी ज़्यादा होता है, उससे कम ही खाया करें। और चाहें तो इसका फ़ोटो खींच के हमसे शेयर कर लें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, तो हम बता देंगे असली है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि आपको नुकसान हो जाए,
और अगर नहीं मिले कहीं पर तो हमारे यहाँ हेल्पलाइन नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं, आपको असली गोंद के लिए मदद की जा सकती है। जी वाकई में, तो कॉल कर सकते हैं और उसके बाद जो भी आपकी परेशानी है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एक और दर्शक हैं, सुमन जी ने हमें कॉल किया है। सुमन जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, प्रश्न कर सकती हैं आप। नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। नमस्ते डॉक्टर। आदाब डॉक्टर। मेरे ने माथे पे बॉय के ऊपर एक गांठ है, 3-4 साल से है वो गांठ। अच्छा, उसको मैंने डॉक्टर को भी दिखाया तो उन्होंने नॉर्मल गांठ बताई है, कोई ऐसी दवाई बता जो बैठ जाए वहीं की वहीं। जी और देखिए दवा भी है, अगर आप कोशिश करें तो जा भी सकती है। ये जो आलू उबाल लेती हैं महिलाएं, ऐसे आलू उबालिए और इसको गरम गरम ही बीच में से काट दीजिए, और जब कट जाए तो बीच में एक गड्ढा करके उसमें हल्दी भर दें, और हल्दी भी ऐसी हो, हल्दी ऐसी हो कि तेल में मिलाकर, तेल में ऐसे मिलाकर गाढ़ी सी, और वो जो आलू में गड्ढा किया है उसमें भर दें, और वो गरम आलू अपनी गांठ पर ऐसे बांध लिया करें गरम गरम, जितना भी बर्दाश्त कर सकें। ऐसा आप करती रहिए 15-20 दिन, 15-20 दिन में अगर ये नज़र आने लगे कम होने लगा तो फिर आपकी ये गांठ जाती ही रहेगी। और वैसे घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कोई नुकसानदेह गांठ नहीं है, लेकिन आप महिला हैं तो महिलाओं के चेहरे पर या पेशानी पर कोई चीज़ बुरी लगती है, इसलिए आप ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं। जी एक और दर्शक हैं, पवन चौबे जी ने हमें कॉल किया है। पवन जी क्या प्रश्न है आपका? सर पहले तो आपको नमस्ते करते हैं, हम गाजीपुर से। आदाब। हमारे सर संदीप के 4 महीनों में हमारे सीने में दर्द रहता है। जी ये हमने कई बार दवाइयां भी ली, जब तक दवा लेते हैं खाते रहते हैं थोड़ा आराम रहता है, उसके बाद फिर उसी तरह हो जाता है, केवल ये ठंडी ठंडी 4 महीने में ही दर्द करता है। जी जी दर्द होता है जी, सर्दियों में दर्द होता है सीने में। सीने में तो एक बार तो जांच कराना जरूरी है सीने की, क्यों होता है दर्द, और इसका इलाज भी बहुत अच्छा है, लेकिन जांच के बगैर आप कोई दवा ना लें। एक्सरे भी होता है इसका और दिल की जांच भी होती है, अगर ये सब करा लें तो बहुत अच्छा है। और ब्लड प्रेशर ठीक रहता है कि नहीं, या खून में चर्बी तो ज़्यादा नहीं हो गई, ये सब जांचें होती हैं। वैसे आप जैतून का सिरका लेना शुरू कर दें 2-3 चम्मच रात को पानी मिलाकर, और फिर देखें कि ये दर्द होता है कि नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो फिर समझ लीजिए कि कोई ख़ास नहीं है, बहुत जल्दी आप ठीक हो सकते हैं। जी चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक हैं, हरीश चंद जी ने हमें कॉल किया है मथुरा से। स्वागत है कार्यक्रम में, किस तरह की परेशानी आपके सामने है बताएं। हाँ हकीम साहब नमस्कार। जी आदाब। हकीम साहब मेरे पैरों में दर्द है। जी कैसे हैं? बोलिए बोलिए पूरी बात बोलिए। हाँ हकीम साहब मेरे पैरों में दर्द है, गठिया बाय का कोई भी हो तो। जी ठीक है, देखिए पैरों के दर्द का तो जो मैं नुस्खा बताता हूँ वो बहुत कामयाब है, और वो 2 तरीके हैं बस उसको अच्छा करने के। एक तो गोंद स्याह अगर मिल जाए असली, अभी किसी का फ़ोन आया था उन्होंने नकली गोंद स्याह ले लिया कहीं से, गोंद स्याह वो कड़वा होता है बहुत, मैं बताता हूँ, कह रहे हैं कड़वा नहीं है, और गोंद स्याह एक काले गोंद को कहते हैं, ये इंतहाई कड़वा होता है, मैंने अपने जीवन में इतनी कड़वी चीज़ नहीं पाई, और असली जिसको मिल गया समझ लीजिए उसका काम हो गया। तो या तो वो मिल जाए गोंद स्याह, और आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाएं पानी या बगैर चर्बी के दूध से इस्तेमाल करें, और 100 ग्राम भी अगर मिल गया तो आप फ़ायदा पहुंचा कर ही ख़त्म होता है, ये 100 ग्राम भी जब तक आपका रोग नहीं चला जाता जब तक ये ख़त्म नहीं होता।
या फिर कैप्सूल टी केयर आता है, कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, ये आप सुबह शाम एक एक लेने से भी अपने दर्द से निजात पा सकते हैं। जी चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक हैं, राशि जी ने हमें कॉल किया है। राशि जी बताएं किस तरह की बीमारी है जिसने आपको घेरा हुआ है। हेलो राशि जी बताएं। हेलो हाँ जी नमस्कार। नमस्ते जी बताएं। जी आदाब हकीम सर नमस्कार। जी आदाब राशि जी बताइए क्या सवाल। सर मुझे परेशानी ये है, मेरी उम्र है 43। जी हेलो जी बताएं। हेलो हम आपको सुन पा रहे हैं राशि जी। हाँ जी, तो मैंने अपना MRI कराया था, उसमें नसें वीक आई हैं जी, और मेरे मुझे उठने बैठने में इतनी परेशानी होती है कि जैसे मैं नहाती हूँ या कुछ भी मतलब बैठ जाती हूँ तो मुझे हाथों के सहारे से उठना पड़ता है, मतलब घुटनों में मेरे बिल्कुल शक्ति नहीं है किसी भी तरह की कि मैं अपने पैरों के बल पे उठ पाऊँ जी, और मोड़ने में भी दिक्कत होती है, कमर में भी दिक्कत होती है मेरे। बिल्कुल ठीक है राशि जी, इस उम्र में कमजोरी आती है, 40-45 में हमारी नसों में कमजोरी आती है और पार्ट्स ऑफ बॉडी में कमजोरी आती है, तो इससे मत घबराइए, ये एक पड़ाव है जिंदगी का जहाँ हमें अपनी यूनानी रिपेयर करानी चाहिए। अच्छा, यूनानी रिपेयर का तरीका एक तो ये घरेलू नुस्खा आप इस्तेमाल करें और आपको फ़ायदा हो जाए। कोशिश मेरी यही रहती है कि घरेलू नुस्खा कोई बता दूं। एक घरेलू नुस्खा जिसे हम गौंद स्याह कहते हैं, काला गौंद आता है, ये बहुत कड़वा होता है, असली मिल जाए अगर, नकली बहुत मिलता है, आधा आधा ग्राम सुबह शाम पानी से या बगैर चर्बी के दूध से या जूस से दो बार खाने के बाद लिया करें। 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया, नकली बहुत मिलता है, तो फिर आपको पहले फ़ायदा होगा फिर ये गौंद ख़त्म होगा, तो ये बहुत अच्छा गौंद है अगर आपको मिल जाए। रॉ मटेरियल लेना और पाउडर बनाकर आप आधा आधा ग्राम खाना शुरू करें। जी तो उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। एक और दर्शक हैं, गुरुग्राम से हमें कॉल किया है जय सिंह साहब ने। जय जी क्या सवाल है आपका। हेलो जी सवाल करें। मेरा मतलब आवाज साफ नहीं आ रही भाई आपकी। मैं 65 साल का हूँ जी। जी और BP प्लस अस्थमा दो चीज का मैं इलाज चल रहा है मेरा, तो अस्थमा भी ज्यादा तो नहीं है, सांस वगैरह नहीं फूलता मगर वो पक लेता हूँ, प्लस जो BP वो भी कंट्रोल में है, उसका भी मेडिसिन चल रहा है। मैं चाह रहा था ये देसी दवा जी। ठीक है, एक 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 चीज का इलाज करिए आप। पहले अस्थमा से निमट लीजिए। अस्थमा इस वक्त बहुत परेशानी वाला है क्योंकि हमारे पूरे दुनिया में एक बीमारी चल रही है जो अस्थमा वाले को सबसे पहले परेशान करती है। तो एक तो गर्म पानी 5 बार पिया करें और देसी नुस्खा एक बता देता हूँ आपको, वो आप खुद बनाकर और इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। खट्टी चीज़ें छोड़ दें बिल्कुल। और देखिए, सपिस्तान, उन्नाव और अलसी 100-100 ग्राम खरीद लें, और आपके किचन में होते हैं पीपलें लीजिए 30 ग्राम, इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम खाया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है।